नेक्स्ट पार्ट इज सेल एंड लीज बैक। मतलब क्या, ए ने बी को एक एसेट सेल किया और बी ने वापस से उस एसेट को ए को लीज पे दे दिया। ए ने बी को एक एसेट सेल किया और बी ने वापस से ये एसेट ए को लीज पे दे दिया। अब ऐसा कोई क्यों करेगा? हो सकता है इसमें विंडो ड्रेसिंग हो रही हो सकता है ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन है। तो इसमें दो एस्पेक्ट्स आएंगे, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें ऑपरेटिंग लीज का कॉन्सेप्ट समझना है। ऑपरेटिंग लीज, अब ऑपरेटिंग लीज को भी हम तीन टुकड़ों में बांटेंगे और फिर डिस्कशन करेंगे। पहला पार्ट तो है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वालेंट टू फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। भाई मेरे पास एक मशीन पड़ी थी, मेरे पास यानी इनके पास, एक पास एक मशीन पड़ी थी, कि कोई तो भी एक प्रोडक्ट वो लोग बनाते थे उसमें वो यूज में आता था। अब एक ही कई सारे बिजनेसेस है, इस बिजनेस में एक को कोई खास प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो इन्हें सोचा चल यार ये वाला बिजनेस अब अपन बंद कर देते हैं और अपन नया कोई दूसरे बिजनेसेस पे ध्यान देते हैं, फालतू इसके पीछे ध्यान देके मतलब नहीं है। तो जो मशीन है उसने बेचने निकल दी, पर उसके कुछ कस्टमर्स थे जिनके ऑर्डर्स फुलफिल करने थे, उसके बाद में ही ये मशीन वो हैंडओवर करेगा, तब तक हैंडओवर नहीं करेगा। तो वो बी को भी ये मशीन की जरूरत थी, इमीडिएटली फैक्ट्री स्टार्ट करना था। बी ए के पास आया, भाई ये मशीन मेरे को दे दे। तो बी ए के पास आया, बोला कि भाई मशीन मेरे को दे दे। तो ए ने बी को बोला कि भाई ठीक है मैं दे तो दूंगा, पर तू 6 महीने बाद आना, 6 महीने में मेरे पूरे ऑर्डर्स फुलफिल हो जाएंगे फिर मैं दे दूंगा। बी ने बोला ठीक है, चला गया। बी बोला यार मतलब नहीं है, 6 महीने अपन वेट नहीं कर सकते, पर बी ने ऐसा कुछ बोला नहीं, बी चला गया। ए को समझ में आया यार अगर 6 महीने बाद में इसको कोई और दूसरा कस्टमर मिल गया तो फिर अपन क्या करेंगे। तो उसने बी को वापस बुलाया, बी ने को उसने बोला देख एक काम कर, तू आज ही मशीन खरीद ले, पर मेरे को 6 महीने इस मशीन का काम है, मैं तुझे 6 महीने इस मशीन का किराया दे दूंगा। भाई एक बार अश्योर हो गया कि तेरे पास मशीन चलेगी, मैं तेरे को किराया दे दूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है। बी ने बोला यार फायदा तो अच्छा है, मतलब मशीन आज खरीद लो, 6 महीने तो अपन वैसे भी यूज नहीं कर रहे, अपन 6 महीने बाद यूज करेंगे, 6 महीने अपने को किराया भी मिल जाएगा मशीन का, अपनी थोड़ी बहुत कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगी। तो ठीक है ना यार, ट्रांजैक्शन तो जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं कि ए ने बी को सेल किया और वापस से लीज पे ले लिया, और लीज ऑपरेटिंग लीज है, कुछ समय के लिए लेके रखा है, और ये ट्रांजैक्शन फेयर वैल्यू पे हुआ। फेयर वैल्यू पे हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल स्ट्रेट लाइन द लीज रेंट, जो भी लीज रेंट पे किया गया उसको स्ट्रेट लाइन करके एक्सपेंस ऑफ कर देंगे। अगली स्टोरी है व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस देन द फेयर वैल्यू। सेलिंग प्राइस इज लेस देन द फेयर वैल्यू, और इसमें हमारा पहला सिचुएशन है डिस्ट्रेस सेल। मतलब क्या, कि भाई हमारी हालत थोड़ी खराब थी, फाइनेंशियल पोजीशन ए की थोड़ी सी खराब थी, तो ए ने एक मशीन बेचने के लिए निकाली, बी को पता था ए की हालत खराब है और ये मशीन मार्केट में कोई ज्यादा खरीदार है नहीं और फिलहाल तो कोई नहीं खरीदेगा। तो बी ने ए को ऑफर दिया, उसने 5 लाख रुपए कीमत रखी थी इस मशीन की। बी ने बोला भाई 3 लाख रुपए में देता है मशीन तो बात कर, नहीं तो नहीं चाहिए मशीन। फेयर वैल्यू इज 5 लाख, पर वेट करना पड़ेगा कस्टमर का, ए को पैसे की जरूरत थी। ए ने बी को बोला यार चल ठीक है ले ले 3 लाख रुपए में खत्म कर, मेरे को भी पैसे की जरूरत है, तेरी किस्मत, पर मुझे अभी कुछ ऑर्डर्स फुलफिल करने हैं, 6 महीने मैं इस मशीन के ऊपर किराया दूंगा। बी ने बोला देख किराया तो मैं फेयर वैल्यू पे दूंगा, किराया कम नहीं करूंगा, बुरा तो बहुत लग रहा है ए को, पर उसकी मजबूरी है, उसे पैसे की जरूरत है। दिस इज डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल्स को भी जेन्युइन ट्रांजैक्शन माना जाता है, क्योंकि जेन्युइनली मैनेजमेंट ने प्रॉफिट करके तो दिया है उनकी कंपनी को, बी लिमिटेड की कंपनी को। तो इसलिए डिस्ट्रेस सेल में भी अकाउंटिंग सेम पैटर्न पे होती है, यू शुड रिकॉग्नाइज एनी प्रॉफिट और लॉस। जैसे ए अपने बुक्स के अंदर में लॉस बिल्कुल रिकॉर्ड करेगा, बी अपने बुक्स के अंदर प्रॉफिट रिकॉर्ड कर सकता है, और स्ट्रेट लाइनिंग ऑफ द रेंट रहेगा ही रहेगा। पर खैर बी यहाँ पे प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करेगा, बी तो जितने में खरीदा एसेट उतने पे ही रिकॉर्ड करेगा, उसको स्ट्रेट लाइनिंग ऑफ रेंट तो एज इट इज चलेगा। सो द कॉन्सेप्ट रिमेन सेम इवन ओवर हियर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेम, बट अगर ये डिस्ट्रेस सेल नहीं है तो क्या, नॉट अ डिस्ट्रेस सेल या अदर केस, अगर अदर केस है
तो फिर पहले तो सेलिंग प्राइस कम क्यों है? अब ऑपरेटिंग लीज के लीजिंग की अकाउंटिंग करते समय अपन ने ए ने बी को बोला, देख भाई मैं तेरे को एसेट बेच रहा हूँ, पर अपन एक काम करते हैं, मैं तेरे को एसेट थोड़ा सा सस्ते में बेचता हूँ। देख एसेट की जो फेयर वैल्यू है ना वो करीब करीब 5 लाख है, मैं तुझे एसेट 4 लाख में बेचता हूँ। मैं अभी इस एसेट को लीज पे यूज करने वाला हूँ, 6 महीने में यूज करने वाला हूँ। लीज रेंट करीब करीब बनता है सपोज कर 20,000 रुपया महीना, तो 6 महीने के मेरे को देखो वैसे भी 6 महीने के हिसाब से 1,20,000 रुपये देने हैं। एक काम करते हैं, मैं लीज रेंट 1 लाख रुपए कम कर देता हूँ, या सॉरी मैं 1 लाख रुपए लीज रेंट बढ़ा देता हूँ, तो मुझे 2,20,000 रुपए का रेंट दे आने वाले 6 महीने में। आने वाले 6 महीने में 2,20,000 रुपए का रेंट दे। बोले एक तरफ तो आज की डेट में मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा तो मेरे को टैक्स कम आएगा, दूसरा मेरे को स्टैम्प ड्यूटी भी कम आएगी ट्रांजैक्शन चार्ज पे, क्योंकि अपन ने सिर्फ 4 लाख रुपए पे एसेट बेचा, ठीक है, और मेरा एक्सपेंस भी अमोर्टाइज हो जाएगा ओवर द पीरियड। मतलब आगे जाके मैं रेंट देने वाला हूँ तो मेरे को ऑटोमेटिकली मेरा एक्सपेंस भी अमोर्टाइज हो जाएगा। अच्छा नहीं, यहाँ पे तो हम लोगों को लेना है, रेंट पे करना है, ये माइनस होगा, मैं जरा चेंज कर देता हूँ, माइनस होगा भाई, रेंट तो हमको पे करना है, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 6, 3,333। अपना काम भी हो गया, रेंट अपने को वैसे भी 1,20,000 रुपए देना था, अपन ने रेंट अब 1 लाख रुपए कम दे दिया सामने वाले को, 1 लाख रुपए ऑटोमेटिकली रिकवर हो गया एसेट के। आज की डेट में प्रॉफिट कम हो गया, ठीक है, आज की डेट में प्रॉफिट कम हो गया अपने बुक्स के अंदर में, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह भी कम लगी, टैक्स भी कम बच गया, सामने वाले की बुक्स में भी इनकम कम होगी, 3,333 का ही रेंटल इनकम आया। तो ये एक तरह से विन विन सिचुएशन है, पर कहीं ना कहीं ये विंडो ड्रेसिंग है। हम हमारे इन्वेस्टर्स को भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सामने वाला भी अपने इन्वेस्टर्स को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। 5 का एसेट 4 पे दिखा रहा है क्योंकि 4 पे मिला, पर एक्चुअली 4 पे मिला ही नहीं, 5 पे मिला, उसके ऊपर रेंट भी कम दिखा रहा है 3,333, जबकि इनकम ज्यादा दिखनी चाहिए थी। सो इट इज समवट समवेयर कैपिटलाइजेशन ऑफ इनकम और एक्सपेंसिंग ऑफ द एसेट, दोनों में से कुछ भी बोल दो, सो विच इज समथिंग रॉन्ग, हमको नहीं चाहिए कि ऐसा कुछ हो। तो इसीलिए ऐसे केसेस में जहां विंडो ड्रेसिंग हुई है, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट बताया गया है कि रिकॉग्नाइज प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, सो विच इज फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट। हम तो ये मानेंगे एसेट फेयर वैल्यू पे ही बिका है, यही माना जाएगा कि एसेट फेयर वैल्यू पे बिका है, ठीक है। अमोर्टाइज डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड फेयर वैल्यू ओवर लीज पीरियड, जो डिफरेंस है आप उसको स्ट्रेट लाइन कर देना। यानी हमारा ये वाला जो एग्जाम्पल है इसमें क्या होगा, सेल 5 लाख पे रिकॉर्ड होगा, पर पैसे तो 4 लाख ही मिले हैं, तो जो डिफरेंस है 1 लाख वो लीज पीरियड में अमोर्टाइज हो जाएगा। डिवाइड बाय 6 कर दीजिए, 1 लाख डिवाइडेड बाय 6, 16,667, और हम लोग 3,333 का रेंट तो दिखा ही रहे थे, दोनों को आप ऐड कर दो 20,000 हो जाता है। यानी अब लीज रेंट भी बराबर दिख गया और एसेट भी बराबर दिख गया। तो मैं आपको अकाउंटिंग बताऊंगा जब हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे, जर्नल एंट्री के बारे में ज्यादा मत टेंशन लीजिए। एसेट का सेल 5 लाख पे दिखाएंगे विच इज द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, और सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू का डिफरेंस अमोर्टाइज कर देंगे, 1 लाख रुपए अमोर्टाइज कर देंगे, ठीक है। लास्ट केस इज फेयर वैल्यू इज मोर देन सेलिंग प्राइस, ये तो हो ही नहीं सकता, ये जेन्युइनली पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी केस में आप लोग फेयर वैल्यू ज्यादा करो, तो विंडो ड्रेसिंग होगी होगी, उसकी अकाउंटिंग का तरीका भी सेम है। सो दिस इज द टैब्यूलेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट वी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू ऑपरेटिंग लीज। इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन से आप लोगों को कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स लुक एट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फिर मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन भी समझा दूंगा। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गेन और लॉस ऑन द एसेट गिवन ऑन ऑपरेटिंग लूज एसेट परचेज एंड देन टेकन लीज बैक फॉर 5 ईयर्स, द कैरिंग अमाउंट इज 5 लाख। कैरिंग अमाउंट 5 लाख हो गया, सेल वैल्यू 480, फेयर वैल्यू 480, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वेलेंट टू द फेयर वैल्यू, मैच भी करता है, दोनों के दोनों सेम है। सिंस इट इज गिवन, प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ है वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे विच इज 20,000, और लीज एंड जो भी होगा वो ओवर द पीरियड अमोर्टाइज हो जाएगा। सेल प्राइस 540, फेयर वैल्यू 540, तो भी जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, तो 40,000 का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेलिंग प्राइस इज 480, फेयर वैल्यू इज 540। अब अगर ये डिस्ट्रेस सेल है तो वेल एंड फाइन,
लॉस रिकॉग्नाइज कर लो, डिस्ट्रेस सेल है तो 20,000 का लॉस रिकॉग्नाइज कर लो, डिस्ट्रेस सेल तो 20,000 का लॉस। अदर्स में क्या होगा, अदर्स में तो हम मानेंगे कि एसेट 540 पे बिका है, मैं उसकी जर्नल एंट्री बताता हूं, कैश डेबिट 480 टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो हमारे बुक्स में 5 लाख का दिख रहा था, और इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हम लोग 540 माइनस कैरिंग अमाउंट 40,000 का प्रॉफिट, दैट इज फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस, फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस मान लेंगे कि ये हमारा प्रॉफिट है। हम मानेंगे एसेट तो 540 में ही बिका है। अब एंट्री तो टैली नहीं हो रही, 60,000 रुपए का डिफरेंस आ गया, सो दिस इज लाइक प्रीपेड रेंट, दिस विल बी अज्यूम टू बी प्रीपेड रेंट, जो आने वाले जो हमारा लीज बैक पीरियड है, 5 साल का लीज बैक पीरियड है आई बिलीव, 5 साल में अमोर्टाइज हो जाएगा। रेंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट 60,000 डिवाइडेड बाय 5 12,000, ठीक है, तो ये ओवर द पीरियड अमोर्टाइज हो जाएगा। आई होप ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा, कुछ इस तरीके से आप लोगों को अकाउंटिंग करना है। सो दिस वाज केस 1, केस 2, केस 3, लेट्स लुक एट केस 4, सेलिंग प्राइस 540, फेयर वैल्यू 6 लाख। अगर ये डिस्ट्रेस सेल है तो जेन्युइन ट्रांजैक्शन मान के 40,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेंगे, विच इज द सेलिंग प्राइस। अगर ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन नहीं है तो अज्यूम कर लेंगे कि 6 लाख का प्राइस है। अब आप ध्यान में रखिए, मैं फेयर वैल्यू को सेलिंग प्राइस और कैरिंग अमाउंट के बीच में डाल रहा हूं, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू के डिफरेंस को पीएनएल में डाल रहा हूं, और फेयर वैल्यू और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस को डेफर कर रहा हूं, या अमोर्टाइज जो भी आप लिखना चाहें। कैश डेबिट हमारे पास 5,40,000 है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 5 लाख का हमारे बुक्स में दिख रहा है, मुझे प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना है, जैसा कि मैंने बोला कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू का डिफरेंस, फेयर वैल्यू 6 लाख है, कैरिंग अमाउंट 5 लाख है, 1 लाख, तो 60,000 रुपीज विल बी कंसिडर्ड टू बी प्री पेड रेंट, जो ओवर द पीरियड अमोर्टाइज हो जाएगा। अभी ये प्रीपेड रेंट का कहानी तो सेम ही चल रहा है, सेम 15,000 रुपए का अमाउंट आएगा जैसा हम लोगों ने पहले रिकॉर्ड किया था, ठीक है। सेलिंग प्राइस इज 540, फेयर वैल्यू इज 5 लाख, तो ये तो वो पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, तो ये हो ही नहीं सकता, तो फिर क्या करेंगे, हम मानेंगे कि 5 लाख में ही सेल हुआ है, 5 लाख में ही सेल हुआ है, और जो सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू का डिफरेंस है उसको हम अमोर्टाइज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस भी सेम है, नेक्स्ट केस की मैं अकाउंटिंग बता देता हूँ, 6 लाख और 540, हम मानेंगे 540 में सेल हुआ है, कैश हमको मिली 6 लाख, टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 5 लाख, हम मान रहे हैं कि 540 में सेल हुआ है, तो 540 माइनस 5 लाख विच इज 40,000, अब 60,000 रुपीज को हम डाल देंगे एक डेफर्ड रेंट अकाउंट में, और ये डेफर्ड रेंट को पीएनएल में एटम हम बार एडजस्ट करेंगे, डेफर्ड रेंट डेबिट 15,000 टू रेंट 15,000। आपने किया क्या होगा, बेसिकली आपने अपने फ्यूचर के रेंट्स को आज ज्यादा कैश लेके सामने वाले के फ्यूचर के रेंट आपने बढ़ा दिए होंगे, आपने बोला होगा यार फ्यूचर में जो रेंट है उतने अमाउंट से बढ़ा दे, अपने को वो रेंट को डिडक्ट करके ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखाना है, तो मैं रेंट क्रेडिट कर रहा हूँ ना, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, ये ऑफसेट होगा, इसे हम ऑफसेट करेंगे, तो सामने वाले का जो भी रेंटल होगा उसे ऑफसेट कर देंगे, ठीक है। एक मिनट रुकिए, जो लास्ट केस है मैं उसके साथ आपको अच्छे से समझाता हूँ, हम एक एग्जाम्पल भी ले लेंगे, 540 एंड 480, सपोज रेंट है 1 लाख रुपए जो जेन्युइन रेंट बनता है, जेन्युइन रेंट, तो पहले तो मैं लिख लेता हूं कि भाई हमको कैश कितनी मिली, हमको कैश मिली 5,40,000, पीपी जो हमारे बुक से गया हो गया 5 लाख का, हम तो मान रहे हैं 480 में बेचा, फेयर वैल्यू पे 480 यानी 20,000 का नुकसान, बाकी का डेफर्ड रेंट हो जाएगा 60,000, हम ये मान रहे हैं हमने सामने वाले से 60,000 रुपए एक्स्ट्रा लिए, 60,000 इज फेयर वैल्यू और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, ठीक है, फेयर वैल्यू और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, सपोज जेन्युइनली रेंट बनता है 1 लाख रुपए आने वाले 5 साल का, पर हमने अब सामने वाले को क्या बोला होगा कि भाई हम तेको 1,15,000 पे करेंगे, क्योंकि तूने हमको आज एक्स्ट्रा पैसा दिया, हम तेको 1,15,000 रुपए पे करेंगे,
तो जो 15,000 हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उसे हमें कम तो करना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे ये वाली एंट्री आ जाएगी, डेफर्ड रेंट डेबिट टू रेंटल इनकम 15,000, जिससे 15,000 से रेंट कम हो जाएगा, यानी 1,15,000 रुपये आप पे कर रहे होंगे, पर अपन रेंट एक्चुअली 15,000, 1 लाख रुपीज का एक्सपेंस दिखाएंगे, 15,000 यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लीज। एक क्वेश्चन और है, एक्स लिमिटेड सोल्ड जेसीबी मशीन WDV 50 लाख फॉर 60 लाख एंड द सेम जेसीबी लीज बैक, सेल प्राइस 60 विच इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। तब तो ठीक है, कैरिंग अमाउंट 50 लाख है, 60 लाख रुपए में बेचा, 60 लाख की फेयर वैल्यू है तो 10 लाख का प्रॉफिट दिखा देंगे। फेयर वैल्यू इज 50 एंड सेल प्राइस इज 45, उन्होंने सेल प्राइस चेंज कर दिया, 45, फेयर वैल्यू इज 50। तो अगर ये डिस्ट्रेस सेल है तो ठीक है, 5 लाख रुपए का लॉस बुक कर लेंगे, डिस्ट्रेस सेल है तो 5 लाख का लॉस बुक कर लो। पर अगर ये डिस्ट्रेस सेल नहीं है, ये डिस्ट्रेस सेल नहीं है तो मानेंगे कि 50 लाख में सेल हुआ, और 50 लाख और 45 लाख रुपए का डिफरेंस 5 लाख अमोर्टाइज कर देंगे, प्रीपेड रेंट मानेंगे। फेयर वैल्यू 55, सेल प्राइस 62। नाउ सेल प्राइस कैन नॉट बी मोर देन फेयर वैल्यू, ठीक है। फिर भी यहाँ पे बोला अगर जेन्युइन ट्रांजैक्शन है तो 7 लाख रुपीज दिखा दो, मुझे थोड़ा इलॉजिकल लगता है इंस्टीट्यूट का आंसर, कि जेन्युइन ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता ये, तो मेरे हिसाब से तो 5 लाख का प्रॉफिट दिखेगा, कैरिंग अमाउंट 50 और 55 का डिफरेंस, फेयर वैल्यू 55, कैरिंग अमाउंट 50 का डिफरेंस, और फेयर वैल्यू और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 7 लाख, 55 और 62, 55 और 62 का डिफरेंस अमोर्टाइज एज डेफर्ड रेंट। ठीक है, फेयर वैल्यू 45, सेल प्राइस 48, सेम स्टोरी, 5 लाख का लॉस है और 3 लाख अमोर्टाइज। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एंड लीज बैक रिलेटेड टू ऑपरेटिंग लीज। चलिए ये वीडियो यहीं एंड करते हैं।